तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्डवेयर बिजनेस के बारे में। हार्डवेयर का बिजनेस कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, हार्डवेयर का बिजनेस होता क्या है, कितना प्रॉफिट होता है और इसमें लागत कितनी आती है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप एक हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक दुकान खोलना चाहते हैं, एक अपने गाँव में हो, चाहे शहर में हो या कस्बे में, कहीं भी अपने एक छोटी सी शॉप या बड़ी शॉप खोलना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हार्डवेयर के बिजनेस में। तो मोस्टली आज देखते हैं भाई कि चाहे कोई भी काम हो, घर बनना हो, चाहे घर का सामान हो, नल फिटिंग से लेके हर एक चीज़ में आज एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो पेचकस हो, प्लास्ट पिंचिस, तार, नल के फिटिंग के आइटम, कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप गांव में हो चाहे शहर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाँव में है तब भी आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और शहर में है तब तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे हार्डवेयर का एक ऐसा बिज़नेस सामने निकल के आता है जो आपको अच्छी कमाई देता है, अच्छा प्रॉफिट देता है और आप इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, मार्जिन भी अच्छा मिलता है। तो देखिए हार्डवेयर क्या है, आप सीधे से जानते हैं भाई, जो चीज़ें आज की डेट में घर में लगती, चाहे रेत, सीमेंट, गिट्टी है ना, उसके साथ साथ स्क्रू, नट, बोल्ट, बाकी घरेलू आइटम कितने सारे उसमें आते हैं, है ना, कृषि उपकरण, खेती वाले आइटम, बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर में, ऐसी कोई गिनती नहीं, फिक्स नहीं है कि क्या। आप अपने यहाँ पे अपने शॉप में, अपने स्टोर में चाहे जो कुछ भी रखें, सब कुछ आज के डेट में सेल होने को तैयार रहता है ना, क्योंकि ये ज़रूरत वाली चीज़ें हैं और मार्जिन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप 50 की चीज़ ला के सीधे 150 में बेचते हैं, 200 में, इतने में बिकती है, तो ऐसा होता है और इसमें फ़ायदा भी बहुत होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्डवेयर की दुकान एक गली में स्थित है, एक दुकान है, यहाँ से लोग अपना निर्माण का मरम्मत में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सामान, जैसे पाइप, पानी की टंकी, नल, बिजली की फिटिंग, दरवाजे की कुंडी, मैनुअल उपकरण, पेंट कलर हो गए, है ना, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि जो विक्रेता होता है, वो विभिन्न प्रकार के औजार होते हो गए, है ना, आपके नट, बोल्ट, रस्सी, पाइप, जैसे निर्माण में जो भी घर और बनते हैं तो उसमें मरम्मत के आइटम, ये सब कुछ लगता है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर का शॉप है और इसका शॉप खोल के आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, है ना। हार्डवेयर की दुकान के बारे में एक आइडिया की बात करें, आइडिया तो यहाँ पे देखते हैं कि हार्डवेयर, सबसे पहले एक हार्डवेयर की दुकान के बारे में हमें एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया क्या कि आपको पता है भाई, आप पहले किसी दूसरे की दुकान में विजिट करिए, जाइए, देखिए उनके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, वहाँ पे जाके आप देख पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपको लर्निंग मिलेगी। तो एक आइडिया आपके पास होना चाहिए मन में कि ऐसा जो है काम होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अपनी दुकान ऐसी बनानी है, तो ये आइडिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हार्डवेयर दुकान के लिए बिज़नेस प्लान की तैयारी करें। अब बिज़नेस प्लान क्या, आप क्या प्लान करना है हार्डवेयर की दुकान खोलने के लिए, सबसे पहले तो आप ये प्लान करो, पहले ये देखो कि अपने पास फ़ंड कितना है, ठीक है, आप जो है कितना पैसा लगाना चाहते हैं, कितने रुपए आपके पास पड़े हैं। मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, अब 10 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, तो हो सकता है आपके पास गांव में आप खोल रहे हैं तो आपके यहां पे घर ऑलरेडी बना हो, दुकान ऑलरेडी हो आपके पास, है ना, दुकान होगी तो 10 लाख रुपए आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 10 लाख में क्या, 10 लाख में आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे ही पूरा प्लान बनाना है कि मेरे को 5 लाख का सामान ला के रखना है, है ना, बाकी 5 लाख मेरे को अपने पास रखना है आगे के लिए, अगले बिजनेस में लगाने के लिए। शुरुआती दौर पे मैं थोड़ा थोड़ा आइटम लेके आऊँगा, पूरा एक प्लान तैयार कीजिए, फिर उसके बाद ना आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका एक प्लान तैयार हो जाएगा जब इस तरह का, तो आप इन्वेस्ट करें, दुकान बनवाएं, अपना इंटीरियर बनवाएं, अपने दुकान का इंटीरियर कैसे बनाना है, इंटीरियर में भाई भाई आपके यहाँ पे अलमारी वगैरह होना चाहिए, अलमारी, है ना, उसके बाद कहाँ पे आप हार्डवेयर रखोगे, क्या है वहाँ पे, प्लाई बोर्ड आप रख रहे हो क्या, नट बोल्ट के लिए लोहे की अलमारी आपको बनवानी पड़ेगी, तो ये पूरा इंटीरियर आपको रेडी करवाना होगा दुकान के लिए, है ना। अब हार्डवेयर की दुकान शुरू करने से पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, आपके आसपास जहाँ पे आप दुकान खोल रहे हैं, क्या पहले से कोई हार्डवेयर की शॉप है, क्या ऐसी कोई शॉप है, बड़ी सी शॉप जहाँ पे ऑलरेडी एक दुकान है, तो थोड़ा, है ना, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। प्लान मार्केट को समझना पड़ेगा कि किस तरह का मार्केट है, क्या बहुत ही छोटा गांव तो नहीं है जहाँ पे हमारी सेल ना हो, उधारी में हमारा सारा आइटम निकल जाए, तो ऐसी चीज़ें ना करिएगा, थोड़ा आपको मार्केट को समझ के ही इन चीज़ों को ओपन करना है ना। एक अच्छे व्यावसायिक स्थान की तलाश करें, एक जो जगह है, हार्डवेयर की दुकान अक्सर देखते हैं कि मेन रोड में जब होती है तो थोड़ा एक अच्छा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो मेन रोड में जब आपकी दुकान होगी तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने शॉप को मेन रोड में ओपन करें, जहाँ पे बड़े वाहन आ सकें, ट्रक आ सके बड़ा सा, है ना, तो वो एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, कभी माल उतरना होगा, कभी सीमेंट आनी होगी एक ट्रक, कभी गिट्टी आने, रेत, जो भी चीज़, तो ये सब कुछ ना, जगह अगर आपके पास अच्छी होगी, रोड होगा मेन रोड, तो वो बेहतर होगा। तो अच्छी जगह पे अपनी शॉप ओपन करें। फिर इसके बाद
अपना जो बिजनेस है वो रजिस्टर करें। रजिस्टर मीन्स आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा भाई, फर्म तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्डवेयर का बिजनेस ऐसे कि टर्नओवर भाई अच्छा खासा उसमें रहता है, 10-20 लाख 25 लाख आराम से चला जाता है। तो रजिस्टर कर लें, GST नंबर ले लें, भले आप रिटर्न जीरो की फाइल करें, टैक्स मत जमा करें, पर एक GST नंबर ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। GST नंबर, दुकान का रजिस्ट्रेशन, एक छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन 2000 करवा लीजिए, बस है ना, अपना बिजनेस शुरू। फिर इसके बाद हार्डवेयर स्टोर के लिए मटेरियल सूची तैयार करें। अब हार्डवेयर स्टोर में क्या क्या मटेरियल आप रख सकते हैं, तो आप इसको एनालाइज करें कि आपके गांव में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा बिक सकती हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो गांव में अगर देखें तो फावड़ा हो गया, कृषि के चीज़ें, कृषि उपकरण की चीज़ें हो गई, वो ज़्यादा बिकेंगी, है ना। थोड़ा बहुत खाद बीज भी रख सकते हैं, लेकिन खाद बीज में लाइसेंस लगता है, उसको थोड़ा मत देख के रखिएगा, लाइसेंस बनवा के। उसके साथ साथ गाँव में और क्या क्या चीज़ें, नल फिटिंग का सामान हो गया, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह हो गई, है ना, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। आप सोचें आपकी वहाँ पर AC ला के रख दें गाँव में, तो कौन खरीदेगा गांव में AC? तो ऐसी महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा जो बिक सकती है गांव में, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं गांव में, ऐसी चीज़ों को रखें। AC वगैरह रखना है तो डमी रखें, उनको बताएं कि भाई किसी को चाहिए तो ऑर्डर पे आ जाएगी। कोई अगर AC का ऑर्डर देता है, TV का ऑर्डर देता है, तो ये सब ऑर्डर पे आ जाएंगी, है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो महंगी चीज़ों को मत स्टॉक कर लेना जो बिकेगी ना गाँव में। शहर में अगर बात करें तो भाई कैटेगरी सबकी अलग अलग होती है। हार्डवेयर में वैसे तो हार्डवेयर का एक शॉप ही अलग होता है, उसमें AC और ये सब चीज़, इलेक्ट्रिक आइटम नहीं होता, पर रख सकते हैं, अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो बिल्कुल आप उनको डिलीवर करवा सकते हैं। तो पूरी लिस्ट तैयार करें, सूची तैयार करें कि क्या क्या जो है आपकी दुकान में बिकेगा, क्या क्या जो है आप अपनी दुकान में सेल कर सकते हैं, और वैसी सूची के हिसाब से फिर आप जो है लाइफ प्रोडक्ट लेके आएँ, सामान लेके आएँ और अपनी दुकान में रखें, जमाएँ और फिर थोड़ा बहुत मार्केटिंग करें, है ना। अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, हार्डवेयर स्टोर के लिए मशीन स्थाई सप्लायर चुनें। अब जब है सप्लायर की बात करें, जहाँ से आप सामान खरीदेंगे हार्डवेयर का, यानी कि क्या हार्डवेयर में क्या आता है, जो भी आप सामान लेके आएंगे अपने दुकान में, उसके लिए एक होलसेलर चुनना पड़ेगा। एक अच्छा सा होलसेलर देख लीजिए अपने आसपास की बड़ी सिटी में, कि भाई यहाँ से जो है मुझे अच्छा मार्जिन मिलेगा, यहाँ से मैं होलसेल में सामान खरीदूँगा और अपने शॉप में रखूँगा, अपने दुकान में रखूँगा ये सब चीज़ें, और यहीं से मैं बिक्री करूँगा और हमेशा यहीं सामान लेके आऊँगा। तो ऐसे 2-3-4 सप्लायर रख लीजिए अलग अलग, क्योंकि लोहे का आइटम कोई अलग रखेगा, नट बोल्ट का सप्लायर अलग होगा, कांच का सप्लायर अलग है, प्लाई बोर्ड का सप्लायर अलग होगा, हर एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिक सप्लायर होते हैं इन सब चीज़ों में। तो आप सब लोगों से आपको तालमेल बना के रखना है, जो आपको काम आएगा आगे, है ना। तो ये सप्लायर आप चुन लीजिए जिससे आपको प्रोडक्ट खरीदना है और फिर अपने शॉप में ला के रखना है और फिर बिक्री करना है। इसके बाद बात करें हार्डवेयर दुकान को ठीक से विज्ञापन करें। विज्ञापन क्या भाई, मार्केटिंग। जब आप अपने स्टोर ओपन करेंगे तो एक छोटी सी ओपनिंग करवाएं, लोगों को बुलाएं, गांव में है तो, शहर में है तब भी छोटी सी ओपनिंग रखें, ओपनिंग करवा के और अपने स्टोर को खोलें। लागत इसमें लगती है, है ना, 10 लाख, कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए लागत लगाने के लिए। शहर में खोलेंगे तो 15-20 लाख तक चला जाएगा आपका, ठीक है। तो भाई ऐसा है, ये सब चीज़ें अपना मार्केटिंग थोड़ा बहुत करें, होर्डिंग्स लगाएं, दीवालों में लिखवा दें, है ना, अपने गांव वगैरह में है तो दीवालों वाल में सब लिखवाएं, हर जगह अपनी मार्केटिंग करें। तो मार्केटिंग से ना लोग भले ही कुछ ना खरीदें, लेकिन उनके मन में रहेगा कि हाँ वहाँ पे शॉप है, और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास दौड़ के आएगा वो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा मार्केटिंग पे, वही आपको जो है बिक्री करवाएगा। तो इसके बाद सही उत्पादों में निवेश करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्पाद क्या, आप खराब प्रोडक्ट ला के कुछ भी रख लेंगे जो बिकेगा ही नहीं, तो क्या मतलब। तो सही उत्पाद स्टील बार, सीमेंट रॉड, है ना, इसके बाद टाइल्स हो गया, टिकर और प्लम्बरिंग आइटम, नल फिटिंग आइटम, जो चीज़ें मैंने बताया ना रिक्वायरमेंट वाली जो बिकती हैं उनको रखें, तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। फिर इसके बाद कई यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि डिस्काउंट ऑफ़र करें, थोड़ा बहुत डिस्काउंट कस्टमर को दें कि हाँ ये चलो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट ऑफ़र करें। स्टॉक का प्रबंधन करें, आप स्टॉक जहाँ पे रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ ख़राब ना हो आइटम। वैसे हार्डवेयर का सामान कुछ ख़राब वराब नहीं होता, लोहे का होता है सब, पर कई ऐसे आइटम हैं जो ख़राब हो जाते हैं, है ना, तो उनको थोड़ा ध्यान दें कि स्टॉक का प्रबंध करना है पूरा, कि भाई हाँ चलो यहाँ पे हमारा स्टॉक रहेगा, बाकी आइटम यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ा ये मैनेज करें, है ना। इसके बाद अपनी दुकान का अवलोकन करें, देखें अपनी दुकान में कि हमारी दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरे की हार्डवेयर की दुकान में जाएं, देखें वहाँ पे उन्होंने कैसे जमाया है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ अपने स्टोर में, मैं क्या अच्छा बना सकता हूँ, इन सब चीज़ों को थोड़ा मैनेज करेंगे ना तो आपके लिए बेहतर साबित होगा वो, ठीक है। फिर हार्डवेयर दुकान शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता,
का, हमने बता दिया भाई कितनी पूंजी लगती है। हार्डवेयर की दुकान खोलेंगे तो कम से कम आपको 10 लाख चाहिए कम से कम, और फिर आगे जितना भी आप लगा लें। वैसे तो गांव वगैरह के एरिया में 5 लाख में भी शुरू कर सकते हैं, गाँव गाँव में, है ना। पर 5 लाख में थोड़ा थोड़ा आइटम ही आएगा, तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगती है, है ना। इसके बाद हार्डवेयर शॉप का प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप एक नट बोल्ट जो स्क्रू होते हैं, तो स्क्रू जो बिकते हैं ना गिनती में बेचते हैं वहाँ के लोग, 1 रुपये 2 रुपये का एक स्क्रू बेचते हैं, जबकि सब किलो में आते हैं, 150 रुपये किलो आते हैं इतने सारे स्क्रू, फिर उनको काउंटिंग में बेचते हैं, तो कितना फ़ायदा सोचो। एक लोहे का कोई नल का फिटिंग का है, 2-3 रुपये की एक आती है और उसको सीधे 30-40 रुपये में बेचा जाता है, नल का फिटिंग का, चाहे पाइप हो, चाहे एल हो, चाहे वो 3 जॉइंट हो, जॉइंट वाले आइटम, बिजली के बटन, सब भाई बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है इसमें, कम मार्जिन नहीं है, ज़्यादा मार्जिन है, है ना। इसके बाद हार्डवेयर शॉप में महीने का खर्चा, तो महीने का खर्चा आपका क्या होगा, आपके यहाँ पे जो स्टाफ होगा 1-8 वो स्टाफ रहे को सैलरी देना, आप अगर गांव में है तो गांव में ज़्यादा बिल विल नहीं आता, बाकी शहर में है तो बिल का खर्चा इतना ही खर्चा है, और खर्चा ज़्यादा कुछ नहीं होता खास कर, है ना, जो अपना स्टॉक ला ला के रखते जाओ और सेल करते जाओ, इतना है, ये सब चीज़ें चलती हैं, है ना। तो बस ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमने आपको बताए, और इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से आप जो है अपना हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करें, और अपना हार्डवेयर का काम शुरू करके ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी खासी शॉप बढ़ा सकते हैं, और अच्छा मार्जिन भी मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी हार्डवेयर की दुकान में जाके वीडियो शूट करें, बनाएं और आपको दिखाएं, तो वो भी हम करेंगे अगले वीडियो में। कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ उस वीडियो को भी देखना है, तो हम किसी हार्डवेयर दुकान में जाके इसका वीडियो प्रॉपर बना के और आपके सामने पेश करेंगे। तो बस यहीं पे इस वीडियो कर दें ख़त्म, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।